कि लड़की कभी भी पहल नहीं करती दोस्तों। अब वो आपको देखेगी, पसंद भी करेगी, वो इंटरेस्टेड भी है आप में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Ask Anything to सपना में। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि आपके आसपास या आपके कॉलेज में या फिर आपका वर्किंग जो प्लेस है वहां पे कोई लड़की आपको देखती है, वो आपको देखती भी है, मुस्कुराती भी है, नोटिस करती है आपको लगातार इवन, लेकिन आपकी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपको बड़ा टेंशन सी होती, क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या है, बिकॉज वो आपको देख रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, पर आपकी अगर हिम्मत नहीं पड़ती है तो क्या कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि लड़की आपको देखती है, मुस्कुराती है, हंसती है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं होती। दोस्तों वीडियो में हमारे साथ अंत तक प्लीज बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आपके विचार जानने हैं कि क्या विचार है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दुनिया का एक सीधा सा दस्तूर है कि हम जिसे चाहते हैं, पसंद करते हैं, नजरें घूम फिर करके वहीं पहुंच जाती हैं। तो आपकी नजरें हों या किसी लड़की की नजरें हों, वहीं टिकती हैं जो चीज उसे पसंद आती है। और सबको सब कुछ पसंद भी नहीं आता, एक चीज तो कॉमन सी है कि अगर किसी भी लड़की ने आपको देखा है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर लाइक कर रही है या इंटरेस्ट है उसका आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान के चलिए कि वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि फर्स्ट थिंग कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो लड़की कहीं ना कहीं दिलचस्पी ले रही है आप में। सेकेंड थिंग, लड़कियां देखती तो हैं लेकिन कोई भी हो, और ज़्यादा लड़कियां किसी को देखती भी नहीं। नज़रें, जैसा कि मैंने कहा अपने टॉपिक्स में कि नज़रें वहीं जाके रुकती हैं जहां निगाहों को सुकून मिलता है, लगता है यार ये देखने लायक चीज़ है और इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो नज़रें जहाँ जा करके टिकती हैं, ऐसी जगह अगर किसी लड़की की नज़र टिक रही है, वो आपको देख रही है, हंस रही है, बट आपकी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए। बट एक चीज़ है कि लड़की कभी भी पहल नहीं करती दोस्तों। अब वो आपको देखेगी, पसंद भी करेगी, वो इंटरेस्टेड भी है आप में, आप में वो इंटरेस्टेड है, बट आपको पहल करनी होगी, आपको बात करनी होगी। आपका इशारा अगर ऐसा है, आपको महसूस हो रहा है कि उसका इशारा ऐसा है, आपको लगता है कि यार ये मुझे देखती है, लगातार मुझे देखती है, मुझे देख के मुस्कुराती है, बट वो बात नहीं करती, तो बात करने के लिए कभी अपनी तरफ से पहले नहीं आएगी। ये पहल आपको करनी होगी, जी हाँ। तो सेकेंड ऑफ, आप अपनी तरफ से पहल कीजिए, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। थर्ड क्या है ना कि आप जहां कहीं भी जिस भी माहौल में हैं, ठीक है, उसकी आंखों का इशारा अगर आप देख भी रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। बात करने की शुरुआत आपको करनी होगी, क्योंकि भाई अगर आपने अपनी तरफ से उनके इशारों को आपने नहीं समझा, आप अपनी तरफ से डिले कर रहे हो ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो खुद आपसे बात करना चाहती हैं, और लेकिन पहल कोई नहीं करेगा। मैंने आपको अभी भी बोला ना कि कोई भी लड़की आपको कितना भी देख रही हो ना, बट उसकी इच्छा यही होती है, वो अंदर चाहती है कि आपसे बात हो, उसके भी दिल की इच्छा है कि आपसे बात हो, लेकिन वो अपनी तरफ से पहल नहीं करेगी, तो पहल आपको करनी है। थर्ड, समझना है कि हाँ वो आपको देख रही है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है। कभी कभी होता है लड़कियां, हो सकता है कि दोस्ती के नजरिए से आपको देख रही हो, तो एक बार जब तक आप बात नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि वो किस नजरिए से, किस हिसाब से आपको देख रही है। बात आपको करनी है, अपने अंदर हिम्मत आपको लानी है उनसे बात करने की, ठीक है। तो आप एक दो बार जाके आप पूछ सकते हो कि डू यू वांट समथिंग फ्रॉम मी, आपको मुझसे कुछ चाहिए, आप मतलब क्या है, कुछ कोर्स से रिलेटेड है या कुछ एनी अदर प्रॉब्लम हैव यू, आपके पास कुछ और समस्याएं हैं कि आपको मतलब कुछ भी चाहिए, इफ़ यू वांट एनी हेल्प देन प्लीज़ यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप जाके फ्रेंडली ये तो बोल ही सकते हो, इतनी हिम्मत कर सकते हो ना भाई। अगली बंदी देख रही है, मुस्कुरा रही है और आपकी बात करने की हिम्मत नहीं होगी तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, इतना डेयरिंग, इतना कलेजा तो रखना पड़ेगा आपको। आप जाके बोल दीजिए कि इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम मी, अगर आप मेरे से कुछ चाहते हो, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझसे बोलिए कि क्या चाहिए आपको। तो जब भी कभी आप ऐसा, तो हो सकता है कि एक बार वो सकपका जाए, अच्छा ऐसा कब हुआ, मैंने तो ऐसा किया नहीं, मैं तो देखती नहीं, और फिर आप ये समझ लीजिए कि वो ये चाहती है कि वो आपको देख रही है, ये आपको पता ना चले, आपने ना देखा हो कि वो आपको देख रही है। देखने का सिलसिला भी बड़ा अजीब है दोस्तों, कि एक इसमें मुझे एक शायरी अचानक से याद आ गई, वो मैं आपके लिए बोली हूँ, जिसे सभी देखते हैं उसे देखने में क्या है, उसे देखिए कि जिसे कोई देखता नहीं है। और कभी कभी होता है कि वो आपको अगर देख रही हैं लेकिन वो ये नहीं चाहती कि आपको ये पता चले कि वो आपको देख रही हैं, शायद इसलिए उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया है। तो आप फ्रेंडली जाकर के पूछिएगा, देखिए तुरंत तो लव जैसे रिलेशनशिप पे आना पॉसिबल नहीं है, इसकी शुरुआत आपको दोस्ती से करनी होगी और अपनी तरफ से पहल करनी होगी। लड़की किसी को कितना भी मान रही हो,
कितना भी चाह रही हो, दिल में कोई फीलिंग्स हो ना, वो आके पहल करने से रही दोस्तों, वो कभी नहीं बोलेगी। उनके अंदर एक शर्म, एक संकोच सी होती है ना, हो सकता है कि उनके अंदर ये रहे कि अरे यार मैं मतलब कैसे बात हो सकती है, बात भी करना है, क्या सिचुएशन है, बात भी करना है और बात भी नहीं करना चाहती। इवन यानी कि अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का पहल नहीं कर सकती और करेगी भी नहीं। आपको आगे बढ़ना होगा और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपको देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं। और आप उनसे बात करना शुरू कीजिए किसी भी तरीके से कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ बोलिए मुझे। और अगर आपके लिए स्पेशल फीलिंग भी है उनके मन में तो भी जाके बात कीजिए, कि हो सकता है कि वो पहले हाइड करने की कोशिश करें, छुपाने की कोशिश करें। क्या होता है ना कि जब आप उन्हें देखोगे ना तो उनकी नज़रें इधर उधर हो जाएंगी, अगर वो वाली फीलिंग है तो। और अगर नज़रें इधर उधर हो गई तो आप समझ जाइए कि वो ये नहीं चाहती कि आपको ये पता चले कि आपने उन्हें देखा है। तो देखने का ये सिलसिला बड़ा अजीब है दोस्तों, और हो सकता है कि यही जो सिलसिला है शुरुआती दोस्ती का या शुरुआती प्यार का, ये एक दिन आपको बहुत ज्यादा याद आए कि ऐसा नहीं। और कभी कभी इंसान शीशे में भी एक दूसरे को देख लेता है और शीशे में ही समझ में आ जाता है कि हाँ किसका क्या लुक है, कौन कितना स्टाइलिश है, डैशिंग है, या कौन कितना कभी कभी किसी की सादगी मार डालती है। मैंने कई बार देखा है ना कि कुछ लोग बड़े रफ एंड टफ होकर के आते हैं, इवन कभी लड़की हो कभी लड़का हो, पर वही जो थोड़ा सा बिखरा है, थोड़ा सा ऐसे है, नॉर्मल सा बड़ा सीधा साधा सा इंसान है ना, वो एक गाना नहीं है सादगी तो हमारी जरा देखिए, तो वो वाली चीज आ जाती है कि हाँ किसी किसी की सादगी मार डालती है। हो सकता है कि आपकी सादगी उन्हें अच्छी लगती हो, या हो सकता है कि आपका स्टाइल उन्हें अच्छा लगता हो, कुछ भी अच्छा लग सकता है आपकी पर्सनालिटी में जो उन्हें उन्हें बहुत अच्छा लगता है और जिसकी वजह से वो आपको देखती हैं। तो आपको थोड़ी सी डेयरिंग करके, थोड़ी सी हिम्मत करके जाके पूछना होगा, बात करना होगा, बात आपको अपनी तरफ से करनी होगी। उनका आप में इंटरेस्ट है, बातचीत की पहल आपको करनी होगी, फ्रेंडशिप आपको करनी होगी, बातों का सिलसिला आपको बढ़ाना होगा और ये आपको जानना होगा कि उनकी नीड क्या है। ये कोशिश आपको इसलिए करनी है क्योंकि लड़की बात आपसे पहले नहीं करने आई, वो तो ये तक नहीं जाहिर होने देती कभी भी कि वो आपको देख रही है या आपको पता चले। जरा सोचिए, तो जो ये नहीं जाहिर होने देता कि वो आपको देख रहा है और आपको पता चले तो आपसे बात क्यों करेंगी, नहीं करेंगी। तो अगर आप थोड़ा सा इशारा समझ रहे ना, हल्का सा इंटेंशन अगर उन्होंने दिया है ना, तो प्लीज आप जाइए बिना देर किए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और उनके दिल का हाल पूछिए और शुरुआत कीजिए एक अच्छी दोस्ती की, बिकॉज ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और आप ऐसे वेट करते रह जाओगे, इंतजार करते रह जाओगे और एक टाइम आएगा कोई और उन्हें उड़ा ले जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे यार मेरे पास तो बड़ा मौका था और उन्होंने मुझे फ्रेंडशिप के लिए इशारों इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की थी, इवन उनकी आँखें ही तो थीं जो लगातार मुझ पर आकर टिक जाती थीं, बट मैंने ही ध्यान नहीं दिया या मेरे पास टाइम नहीं था। अरे भाई क्या करेंगे अपने टाइम का, इस टाइम को वहाँ लगाइए जिनसे कभी ना कभी जीवन में टाइम बनना हो। तो कहते हैं ना समय बार बार नहीं आता और जब आता है तो समय को कैच कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, कहीं जाने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में जो भी मैंने बातें कही हैं उनसे आप कितना सहमत हैं हमें प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।